तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सिद्धादास धाम और आज आप लोगों को हम हर गांव के सिद्धादास धाम घुमाएंगे, बाबा जी के दर्शन कराएंगे और खुद भी दर्शन करेंगे। तो मोटो ब्लॉगिंग में शुरू किए थे हर गांव चौराहा से, जो बगल में ही है, और अंदर धाम की तरफ आ चुके हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ और बाबा सिद्धादास धाम की तरफ। तो आज के वीडियो में जुड़े रहिए आगे का देखने के लिए, बाबा सिद्धादास धाम और चलते हैं। अभी सुबह का समय है और कोहरा ख़त्म हो चुका, भैया धूप वगैरह निकल आई है, मस्त एकदम नज़ारा है। सुबह सुबह एकदम धूप हो चुकी है। तो आज मैं करीब आया हूँ 3-4 साल या ज़्यादा हो गया भैया, 5-6 साल बाद आया हूँ यार। और 5-6 साल बाद क्या बदला है बाबा सिद्धादास धाम पे, वो देखेंगे दिखाएंगे ना। यहाँ पे कुआं भी बना हुआ है, सब पुराना ही है यहाँ का जो भी है। एक्साइटमेंट है, चलते हैं। और बच्चे भी देखो दिखा रहे इधर कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो अभी हम पहुँचे हैं बाबा सिद्धादास धाम हर गांव, और ये हर गांव चौराहा है। तो बाबा सिद्धादास धाम की तरफ चलते हैं। हमें लगा आज मेला भी है, बाज़ार लगती है शायद, हो सकता है बाज़ार लगेगी शाम तक। तो बहुत दिनों के बाद आज समय मिला है बाबा सिद्धादास धाम में दर्शन करने के। चलते हैं, दर्शन करते हैं, कराते हैं, आपको भी घुमाते हैं। अभी हर गांव चौराहा से निकले हैं, अंदर ये धाम पर ही पहुँच रहे हैं। ये सब जगह भैया मेला के टाइम में ना पूरा यहाँ पर जलेबी छन रही होती है ना, चाट टिक्की ये सब बन रहा होता है मिस्टर। देखो भाई साहब, उनको नमस्कार किए, उनको लगा हम नमस्कार किए। चलो कोई नहीं, श्री सिद्धेश्वर कैटर से बात करें। तो भैया पहुँचे हैं सिद्धादास धाम। आज के मोटो ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे, पार्किंग वगैरह शायद इधर ही है भाई। ये भाई खड़ी कह सकी थी, ठीक है भैया। तो अभी देखिए हम पहुंच चुके हैं भैया बाबा सिद्धादास धाम पे, और एक बार सामने से नज़ारा दिखाते हैं। देखो सामने से गली है और ये यहाँ का भव्य गेट है, कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है बाबा सिद्धादास धाम का। और चलते हैं अंदर धाम पे, दर्शन कराएंगे आप सभी को। और यहाँ पे एक सगरा भी बना हुआ है, वो दिखाएंगे, है ना। यहाँ पे कुआं भी बहुत पुराना बना हुआ है। बच्ची आज मेला नहीं लगता क्या? अच्छा किसी नहीं, मतलब बाजारों लगे कौन कौन दिन अबे रास्ता में। हाँ एक लोग बताएं, दादी जात रही तो उनसे पूछा रहा कहीं, हाँ आज लागे तो हम कहीं मेला लागे, बहन ने लागे वही। अच्छा बाजार लागे, यहाँ वो कुछ रहते घूम भरे। अच्छा यहाँ मेला कब तक लागत है, कब लागत है बाबा सुना? अच्छा अच्छा, तो सबसे बड़ा मेला वही रहते हैं और डेली तो लोग आओ दर्शन करें। आवाज आवा कर दर्शन करे, जैसे वो लोग मुंडन उड़न कराओ थे लड़कन को, ज़्यादातर जैसे मुंडन कराओ लोग पहुँचे थे इधर। चलो बढ़िया है। तो भैया पहुँच चुके हैं धाम, जय बाबा की। और भैया यहाँ पे एक धर्मशाला बना हुआ है, और सबसे पहले जैसे अंदर आते हैं साहेब सिद्धादास धाम हर गांव का एक बोर्ड लगा है, और सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे पावन अभरण कुंड का जीर्णोद्धार उद्घाटन माननीय विधायक सुरेश पासी जी द्वारा। तो ये देखो भैया यहाँ पे मतलब इसका जीर्णोद्धार हो गया, गेट से ही प्रारंभ करते हैं क्योंकि साइड से तो दिखा देंगे। जो सगरा है ना उसका ये गेट बनाया गया है, ये सीढ़ी है, और ये सगरा देखिए यहाँ पे हमेशा पानी रहता है, मतलब इस सगरे में कहा जाता है, और कभी ख़त्म नहीं होता है ना ये। और यहाँ का पानी बड़ा शीतल होता है। देखिए इधर से भी सीढ़ी बनी हुई है नीचे जाने के लिए, स्नान करने के लिए, वैसे जल लेने के लिए, और इधर से भी है। तो नीचे तक क्या चले यार, एक तो अकेला हूँ और कोई हमारा कैमरामैन नहीं है, हमारे पास ऐसे वैकेंसी खाली है कैमरामैन की। तो हमारे चैनल से कोई जुड़ना चाहता है, कैमरामैन बनना चाहता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत पहले आए थे, तो मतलब कुछ चीज़ें जर्जर हो चुकी थी, सब पूरा फिर से जीर्णोद्धार किया गया, मतलब फिर से इसको और अच्छा बनाया गया। और इसको अच्छा बनाने में माननीय विधायक सुरेश पासी जी अहम भूमिका निभाए हैं, है ना। और श्री श्री 1008 समर्थ साहेब सिद्धादास जी महाराज का ये मुख्य मंदिर है, और एक बाबा जी है यहाँ पे। और इससे पहले हम थोड़ा से चलते हैं नल की तरफ, हाथ धुल लेते हैं।
एक यहाँ पे भी बना हुआ है मंदिर, मतलब कई सारे हैं अलग अलग। तो भैया अभी हाथ वाथ धुल लिए हैं, एक बार सोचिए इधर से घुमा दे। सबसे पहले क्या करते, चलो प्रसाद ले लेते हैं जो मुख्य मंदिर है, ये वाला है मुख्य मंदिर और इधर भी है दो। तो दोस्तों अभी हम श्री श्री 1008 सामर्थ साहेब सिद्धदास जी के धाम पे हैं और आप लोग यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं बाबा सिद्धदास के। और उससे पहले बाबा जी से मिलाते हैं। सीताराम बाबा जी कैसे हैं आप? बढ़िया है। कब से सेवा कर रहे हैं बाबा सिद्धदास धाम पे? 3 साल हो गए। इससे पहले कौन और रहे? अच्छा यहीं पर सीधा आपसे पहले के रहा? और पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे मेला कब लगा था? यहाँ मेला लगा था मौस पुनवासी। अच्छा मौस पुनवासी सबसे बड़ा मेला वही लगा था? खुला रहा। अबे कितना टाइम बचा है? कितना टाइम बचा हुआ है? हाँ तो बस 2-3 दिन लागे वाला है। मंगर का है यही मंगर का है। चलो मेला के दिन हो गए, देखो भाई ये धाम के बारे में। और वैसे ही जब बाजार लगा थे तब भी लोग आवत थे दर्शन करे। अमावस में सबसे ज्यादा चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम बाबा जी। तो अभी दोस्तों हम सिद्धदास धाम पे संत जी से मिलके यहाँ पे चारों तरफ मंदिर परिसर को दिखा देते हैं आप लोगों को। और यहाँ पे लगभग लोग आते हैं बच्चों का मुंडन कराने। वैसे भी यहाँ पे एक और देखो प्रतिमा बनी हुई है मूर्ति की, है ना। बाहर से दिखा देते हैं क्योंकि अंदर बंद है पूरा। सामने श्री सत्यनाम सामर्थ साहेब सिद्धदास जी महाराज जी की ये प्रतिमा है और बगल में भी है। चारों तरफ से मतलब इसमें बना है 2, 2, 4, 2, 6, 7 जो यहाँ की मतलब सिद्धदास बाबा पे धाम पे और संत जी आए सबके। तो चारों तरफ यहाँ पे भी घंटी वगैरह लगी है ना। जिसने भी इसको लगवाया सब ने अपना सप्रेम भेंट नाम भी मेंशन कराया है। एक सबसे मेन मुख्य वो है मंदिर, इतना ब्राइटनेस कैसे हो गया वो वाला। उसके बाद ये है, फिर चारों तरफ से इसे बना है। सब में चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो कहाँ लोग यहाँ आते हैं, जैसे बच्चों के मुंडन कराने या छोटे मोटे ऐसे कोई काम करने होते हैं ऐसे में। यहाँ पे देखो आंटी जी लोग वगैरह हैं, कुछ अपना प्रोग्राम है। तो ये धाम है बाबा सिद्धदास का। यहाँ पे भी 2-4 दिन में हमें लगता है अमावस के टाइम में सबसे बड़ा जो मेला लगता है आने वाला है। तो एक बार फिर से आएंगे देखने और आप लोग को भी दिखाने। ये देखिए चलो आंटी जी से कुछ जानते हैं। दादी कुछ है का आज यहाँ बच्ची, मतलब कुछ है का आज यहाँ? भैया यहाँ बाबा के मानदान किए रहे वही पूरे। अच्छा वही चीज़ हम कहा लोग आवत थी जैसे क्षेत्र यहाँ वीडियो बना के दिखाई थे ना लोगों का, तो सब चीज़ देखी। तो जैसे बहुत लोग आते मुंडन कराओ क्यों आओ थे अपन अलग अलग, आप केवल माने रहे कि मतलब कोनो चीज़ पूरा हो जाए। तो आज यहाँ प्रसाद बने हैं चढ़े हैं, तो आज प्रसाद चढ़ाओ तैयारी होते आए। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? भटगवा के आगे मझवारा से। अच्छा हाँ जाने मझवारा उधर भटगवा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज प्रसाद बने आए? आज बाबा प्रसाद बने। का बने वैसे? बाबा के प्रसाद में कोरा भरे कहा। अच्छा कोरा भरे पोड़ी वगैरह बनते हैं, हलवा वगैरह बनते हैं सब। चलो बढ़िया भाई, जे अपन माने रहते आओ जरूर है, अच्छी बात है माने चाहिए। ठीक है आंटी जी प्रणाम। तो अभी बाबा सिद्धदास धाम पे दर्शन करके यहाँ पे कोई कुछ मानता है तब भी आते हैं अपना प्रसाद चढ़ाने। कोई यहाँ बना के चढ़ाता है, कोई पहले बना के लाता है। और ऐसे यहाँ पे मुंडन वगैरह करने भी करवाने लोग आते हैं बच्चों का, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि यहाँ मुंडन वगैरह कराने के लिए तो मानता वगैरह तो यहीं आते हैं कराते हैं। मैंने बहुत बार आया, मैं कई बार आया हूँ बचपन में कई लोगों के साथ, क्योंकि जिसका मुंडन वगैरह कराते थे यहाँ आते थे। तो ये है भैया सगरा, बहुत पुराना सगरा है। पानी है ये देखो भैया, काई वगैरह पड़ी है इसमें। तो ये सगरा है, पहली बार आए हो? नहीं। कहाँ से आए हो? गौरीगंज साइड मऊ। अच्छा मऊ जो राकेश प्रताप सिंह जी का गांव है वहीं से? चलो बढ़िया है।
तो अच्छा हो आपके मम्मी लोग हैं, कोरा भरे। ठीक। तो दोस्तों ये है बाबा सिद्धादास धाम का नज़ारा, एक बार पूरा दिखाते हैं आप लोग को। और ये कुछ ही समय में आने वाले दिनों में, मतलब अमावस के दिन, यहाँ सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। तो बस तैयारियाँ चल रही होंगी, लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बाबा जी ने भी बताया है। तो कैसा लगा धाम, आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले जयकार लगाते हैं साहेब सिद्धादास बाबा की जय। आप लोग भी जय कीजिए और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों आप लोग को दिखा चुके हैं भाई, अब निकलते हैं। दोस्तों आप लोगों को हमने दिखाया बाबा सिद्धादास धाम, कैसा लगा अपनी राय दीजिए और जयकारा लगाए बाबा सिद्धादास की जय हो। तो ऐसे ही बहुत सारे अपने क्षेत्र के वीडियोस लाते हैं, दिखाते हैं। बहुत दिनों के बाद में आज बाबा सिद्धादास धाम पे आया और आप लोग को दिखाया बाबा सिद्धादास धाम। और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, बाबा का जयकारा लगाते रहिए, दिखाते रहेंगे अपने क्षेत्र के सभी दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल और अपने क्षेत्र की सारी उपलब्धियाँ और सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग देखे हो ना देखो वो सब चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिद्धार्थ बाबा, जय श्री सीताराम।